व्यूअर्स, आज हम एक नए प्रोग्राम एपिसोड के साथ आए हैं। आज की इस एपिसोड के अंदर हम मज़ीद देखेंगे कि हम प्रोग्रामिंग पे कैसे वर्क कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक कंसोल ओपन है, टेक्स्ट एडिटर IDE ओपन है, जिसे हम टर्बो सी कहते हैं। आज हम यहाँ पर लूप की वर्किंग, उसके यूजेस हम देखेंगे। व्यूअर्स, आज मैं ये चाह रहा हूँ कि 1 से लेकर 10 तक जो वैल्यूज़ हैं ये वाइल लूप के थ्रू मैं प्रिंट करवाऊँ। उसके लिए मुझे int c काउंटर वेरिएबल इज इक्वल टू 1 देना पड़ेगा, ये वेरिएबल देना पड़ेगा। उसके बाद while आएगा, while आ गई, उसके बाद इसके अंदर कंडीशन या एक्सप्रेशन आएगा। डेफिनेटली मैं 1 से लेकर 10 तक करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये करूँगा कि c लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि c की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 10 तक रहे या 10 से बिलो रहे। तो इस केस के अंदर हमें ये कंडीशन देनी होती है, यानी कि सी की वैल्यू अगर जैसे ही 10 से एक्सीड करेगी तो ये प्रोग्राम जो है कंपाइलिंग को स्टॉप कर देगा, प्रिंट एफ करना पड़ेगा। प्रिंट एफ के अंदर मैं सी की वैल्यू को सिंपली प्रिंट करा दूंगा, डबल कोट्स देने पड़ेंगे, सी इज इक्वल टू %ID जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर का, क्योंकि सी इंटीजर का है, यहाँ पे कॉमा सी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम करवाएंगे सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 भी करवा सकते हैं, सी प्लस प्लस भी करवा सकते हैं, इट अपॉन ऑन यू कि किस चॉइस को आप चूज़ करते हैं। दोनों की पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। मैं अब इस लूप को यहाँ पे मैं क्लोज कर लूँगा। तो इस तरह से हमारे पास जो सी की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है और वो प्रिंट होगी। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिएगा, ये छोटी सी हम लोगों ने मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर सेमी कॉलन को नहीं यूज़ किया। इस तरह से हमारे पास ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है प्रोग्राम की, ये प्रोग्राम की एंड हो रही है और ये हमारे पास लूप है। मैं इसको जो है ना यहाँ से टैब दे देता हूँ ताकि आपके लिए इसको समझना आसान हो। जितने प्रोग्रामर्स होते हैं वो चीज़ का बहुत ख्याल करते हैं कि प्रोग्राम्स की जो हायरार्की है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू ना हो। ये मैं एज इट इज़ कर रहा हूँ, जैसे प्रोग्रामर्स करते होते हैं। आप भी जब भी प्रोग्रामिंग करें तो इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखें ताकि मिस्टेक ना हो। इस तरह से व्यूज़ हो गया। अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, Alt+F9 से फाइल करेंगे, सक्सेसफुल है, की को प्रेस किया, Ctrl+F9 से इसका आउटपुट देखेंगे। तो इस तरह से व्यूअर्स हमारे पास सी की वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, 3। अच्छा व्यूअर्स, अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो सी की नेक्स्ट वैल्यू है ना वो नेक्स्ट लाइन में है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर \n को मैं यूज़ कर लूँगा। होप सो कि हमारे पास ये कंपाइल अगर कोई एरर नहीं आता तो हमारे पास ये सक्सेसफुल है और Ctrl+F9 है। नहीं, बल्कि हम लोगों ने दूसरा यूज़ करना था, ये तो डिवाइड के लिए यूज़ किया जाता है। और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा क्योंकि ये जो \n है ये यूज़ किया जाता है नेक्स्ट लाइन के लिए। ये कंपाइल हो गया, Ctrl+F9 से हम आउटपुट देखेंगे। तो ये व्यूअर्स हो गया, आपके पास इनकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ और कि हम लोग अपने फ्रेश आउटपुट को अगर देखना चाहें तो हम यहाँ पे जैसे ही हमारा के देखते हैं CLR SCR क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है, ये सब कुछ क्लियर करने के लिए इसके Alt+F9 है, सक्सेसफुल है, Ctrl+F बार लिया, हम उनसे यूज़ कर लिया, अब शायद उससे पहले वर्ड दे रहा था। इस तरह से व्यूअर्स आप इसको कर सकते हैं। होप सो आज का ये प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा किया जाए अपनी कमेंट